हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इंडिकेटर चेंज करना चाहता हूँ, रिप्लेस करना चाहता हूँ। खराब हो गया है, थोड़ा सा बच्चे लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा खराब हो गया। मैंने पीछे बाजू से नटबोल्ट निकाल दिया, 14 नंबर का पाना लगता है, 14 नंबर का पाना से मैंने पीछे से नटबोल्ट निकाल दिया, इसको बाजू में रख दिया, इसको भी निकाल दिया। मैंने नया परचेस किया है इंडिकेटर, लेफ्ट बाजू का इंडिकेटर, कभी भी राइट और लेफ्ट का बोल के ले नहीं गया। मैंने लेफ्ट बाजू का इंडिकेटर, क्योंकि जो नटबोल्ट होता है वो अलग होता है ना, इस हिसाब से बोल के ले लिया। इसे मैं यहाँ पे बिठाने वाला हूँ, मैंने इसे अलग करके निकाल दिया है, इसको फिटिंग करने वाला ये पार्ट है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। यहां से मैं अंदर डाल के थोड़ा फिटिंग कर रहा हूँ, आप भी घर पे कर सकते हैं। इंडिकेटर ये बाजू रहेगा, वही हिसाब से इसे मैं फिटिंग कर रहा हूँ। खाचा है, खाचा में लगा के पीछे बाजू उसका नटबोल्ट मैं फिट करना चाहता हूँ। उंगली से पहला फिट कर रहा हूँ नटबोल्ट, ये पीछे बाजू से नटबोल्ट है, फिट कर रहा हूँ। अच्छा टाइट करना है, ये पाना से 14 नंबर का पाना है, इससे मैं फिट करूंगा। इसे फिट कर दिया, मैं क्या करने वाला हूं, ये दोनों वायर को रेड वायर, ग्रीन को ग्रीन वायर, बाद में ये होगा। तो सबसे पहले मैं ये जो कवर है इसको अलग करना चाहता हूं। यहाँ पे स्क्रू है, इसको निकाल दिया, बाजू में रख दिया, ये बल्ब निकाल दिया, साइड में कर दिया इसको। तो मैं सबसे पहला बल्ब को फिटिंग करके ले रहा हूँ, बल्ब को ग्रीन करना है। रेड को रेड करना है, टेप लगाऊंगा थोड़ा मैं, जो वायरिंग का टेप होता है, वायरिंग का टेप मैं लगा लेता, वीडियो पोस्टपोन कर देता। दोस्तों, मल्टीमीटर से मैंने चेक किया कनेक्शन बराबर है क्या नहीं, लगा दिया दूसरा, बाद में फिटिंग करते, थोड़ा चेक करते, बाइक चालू करते, चेक करते, बाइक चालू करने के बाद चालू करने की जरूरत नहीं होती, इग्निशन की देखते, यहाँ पर एन आ गया, देखते ये स्विच है लेफ्ट राइट का, इंडिकेटर का देखते, ये इंडिकेटर चालू हो गया, वापस दिखाना चाहता हूँ, ये भी चालू हो गया, यानी बाइक ओके हो गए, इंडिकेटर रिप्लेस किया। दोस्तों, इसके वायरिंग का जो डायग्राम, इसे बंद कर देते, इसका वायरिंग का डायग्राम है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बच्चों लोग ने थोड़ा इसको तोड़ दिया था, यानी तोड़ दिया बोले तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, जो प्लास्टिक का जो थ्रेड होता है वो टूट गया, जिसके वजह से मुझे रिप्लेस करना पड़ा। लेकिन रिप्लेस करने के पहले मल्टीमीटर से आपको चेक करना पड़ेगा, उसमें फ्लेशर होता है वो खराब हुआ या नहीं हुआ, फ्लेशर का भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। सब कुछ ठीक है, सिर्फ मेरा वो जो थ्रेड का प्लास्टिक का वो टूट गया था, मैंने रिप्लेस किया, सक्सेस हो गया, काम कर दिया, इसका भी मैं फिटिंग करूंगा। फिटिंग बोले तो मतलब क्या है, पीछे से सिर्फ हमें क्या करना है, इसको फिटिंग करना है, यानी मतलब क्या होता है, एक स्क्रू लगा देने का बस, दूसरा कुछ नहीं, पीछे से स्क्रू लगाएगा, ये मैं लगा देता हूँ। दोस्तों, इसका फिटिंग कर दिया, इंडिकेटर का बाहर का हिस्सा है उसको फिटिंग करना है, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर बल्ब डाल रहा हूं, छोटा स्क्रू है, लगा देते, दो स्क्रू है, लगा देते, संभाल के करना है क्योंकि प्लास्टिक का होता है, ज्यादा कसने का नहीं इसको। Thank you.
हो गया, अच्छा फिटिंग हो गया। ये जो ना वो भी अच्छा है, लेकिन इसमें हालांकि क्या हो गया, इसका जो नट बोल्ट है प्लास्टिक का था वो टूट गया, इसके वजह से बदली करना पड़ा। आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, अच्छा था लेकिन जो प्लास्टिक है ज्यादा कसने के वजह से टूट गया। मेरा बल्ब चला गया था, बल्ब रिप्लेस करते समय ज्यादा कसने के वजह से जो अंदर जो प्लास्टिक का नट खाचा होता है वो टूट गया, नहीं तो मैं यही लगाने वाला था। बल्ब सब अच्छा है, सब अच्छा है, सिर्फ नट प्लास्टिक का होने की वजह थोड़ा कसने की वजह से टूट गया, इसलिए मैं नया रिप्लेस कर रहा हूँ। बिठा दिया, गाड़ी स्टार्ट करके देखना पड़ेगा, गाड़ी स्टार्ट करके देखते बंद। बाइक को स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा बैटरी थोड़ा डाउन था, इसके लिए स्लो बीजी के घर जल रहा था। बैटरी स्टार्ट की, देखते इंडिकेटर ब्लिंकिंग हो रहा है या फिर ब्लिंकिंग हो रहा है। राइट बाजू का देखते, राइट बाजू का ये भी इंडिकेटर है, ये भी ब्लिंकिंग हो रहा है। ऑन देखते, हो गया, सक्सेस हो गया। दोस्तों इस प्रकार की छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की बात खास आप लोगों के लिए मैं लेके आते रहता। अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।